माहेश्वर सूत्र स्वयं शिव के मुखारविंद से निकले हैं। पाणिनि का नाम आप लोग सुने ही हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता थे। अष्टाध्यायी में उनके उन 14 माहेश्वर सूत्रों का वर्णन है। यह माहेश्वर सूत्र इतने जटिल तो नहीं हैं, लेकिन जटिलता इसमें अक्सर लोग देखते हैं, और इसमें स्वर और व्यंजन सबको मिला करके और पूरी वर्णमाला का वर्णन हुआ है। 14 इनकी संख्या है। क्रमशः मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अयुण रिलरिक एवोंग अयौच हैवरट लण यमगणनम झभय घडधस जबगडधस खफसठथ चटतव कफय सखसर हल। इसमें देखिए जो अंतिम वर्ण होते हैं वह इत संज्ञक होते हैं। इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कहा जाता है कि 42 प्रत्याहार इससे निर्मित होते हैं। मुख्य रूप से 42 प्रत्याहारों का ही इनसे निर्माण होता है। और यह पहले वर्ण और इत संज्ञक वर्ण को लेकर के ही बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का विस्तार देखिए। अ ई वुण माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्र अ ई ऊण री रि क ए ऊ ए औच या देखिए या जितने भी हैं यह स्वरों के अंतर्गत आते हैं। स्वर जैसे अ ई उ ड़, इसमें जो ड है वह इत संज्ञक वर्ण है। री लि क इसमें क इत संज्ञक है। ए ओ ङ इसमें ङ इत संज्ञक है। ए औ च इसमें च इत संज्ञक है। तो अगर इससे प्रत्याहार बनाना है तो देखिए अ ई उ, अब इसमें अण प्रत्याहार का निर्माण इससे हो जाएगा। और अगर कहा जाए कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो इसमें आने वाले वर्णों की संख्या है अ ई उ, सिर्फ अ ई उ तीन ही वर्ण आएंगे। इसी तरह से अगर कहा जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ रि लृ यही 5 वर्ण आएंगे। इसी तरह से अगर अंग प्रत्याहार कहा जाए तो अ ई उ रि लृ ए ओ अंग के अंतर्गत आएंगे। और अगर अच प्रत्याहार का नाम लिया जाए तो अच के अंतर्गत अ ई उ रि लृ ए ओ ए ओ यही आएंगे। तो यह तो स्वर हो गए, यह स्वरों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके बाद पांचवा जो माहेश्वर सूत्र है हयवरट हयवरट लण यम गण नम यम अण नम झभय झभय घडधस घडधस जबगडधस
जब गढ़दस झब है घढ़दस जब गढ़दस ख फ स ठ थ चट तव ख फ स ठ थ च ट त व ख फ स ठ थ चट तव कपय सख सर स ख स र हल। यह देखिए, यह हायवरट से लेकर के और हल तक यह व्यंजनों के अंतर्गत ही आते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इत संज्ञक जितने भी वर्ण हैं सबको छोड़ दीजिए और गिन लीजिए, अ ई उ री लि ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ड न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ स ठ थ च ट क प स ख स ह। बस इतने ही वर्ण अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे और अल प्रत्याहार में पूरे माहेश्वर सूत्र समाहित हो जाते हैं। और मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहां से व्यंजन हैवरट माहेश्वर सूत्र हैवरट से लेकर के और हल तक के व्यंजनों को गिनिए। इसमें जितने भी ये इत संज्ञक हैं समस्त इत संज्ञकों को छोड़ करके, तो ह य व र ल य म ग ड न झ भ घ ढ द ज ब ग ड द ख फ स ठ थ च ट त क प स ख स ह, यह वर्ण आएंगे। तो यह माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 है। और देखिए अक्षर सुपर टेट हो चाहे टेट हो, दोनों परीक्षाओं में यह निश्चित रूप से आते हैं। अगली परीक्षा में आप लोग देखे होंगे पेपर, उसमें सिर्फ संख्या पूछा था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है 14। कभी कभी क्या होता है कि इसमें अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अच के अंतर्गत मान लीजिए एक ही माहेश्वर सूत्र के प्रथम और अंतिम को प्रत्याहार बना करके पूछ दिया जाता है, तो निश्चित है कि आप अगर इन 14 माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन अच्छी प्रकार से किए हैं तो निश्चित है कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसे आप कर लेंगे। और संधि में भी यानी समझ लीजिए कि जो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र उसकी नींव हैं और यही संस्कृत साहित्य के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। संधि हो, संधि से लेकर के बहुत सी चीज़ें संस्कृत में जो हैं वह सब इसी पर आधारित हैं।